आइए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल डेट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। तो पैनकेक जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है कि वो एक ब्रांड नेम था, एक ब्रांड का नेम था ऑफ द मेकअप मटेरियल। एक मेकअप सामान हुआ करता था और उस मेकअप सामान का ब्रांड था पैनकेक, डेट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड। और ये मेकअप का सामान जेमिनी स्टूडियोज बहुत भारी मात्रा में खरीदती थी। ट्रक लोड मतलब लार्ज अमाउंट, ठीक है। ग्रीटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहार मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो यहाँ पर लेखक कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं। सबसे पहले एक्ट्रेस है ग्रीटा गार्बो, एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने भी इस मेकअप सामान को यूज़ किया होगा, पैनकेक को यूज़ किया होगा। पैनकेक तो ब्रांड का नाम है, तो ये यूज़ किया होगा उन्होंने इस ब्रांड का सामान। मिस गोहार मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ग्रीटा गार्बो जो है, यहाँ नीचे फुट नोट में लिखा हुआ है, वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, ठीक है। मिस गोहार ने भी इसको यूज़ किया होगा। फिर वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। ये मिस गोहार और वैजयंती माला ये सब इंडियन एक्ट्रेस है, और जो ग्रीटा गार्बो है वो स्वीडिश एक्ट्रेस है। लेकिन रति अग्निहोत्री जो है, उन्होंने इस ब्रांड का नाम हो सकता है सुना भी ना हो, क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में थोड़ी लेट आई थी रति अग्निहोत्री, उस जमाने में हो सकता है पैनकेक ना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग डेट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो एक बिल्डिंग था, ठीक है, उस बिल्डिंग के अपस्टेयर में ऊपर वाले फ्लोर में क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था, ठीक है। उस पूरे बिल्डिंग में तो क्या था, जेमिनी स्टूडियोज बना हुआ है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाले में क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था। और वो जो बिल्डिंग जो था, माना जाता था कि वो एक समय में रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल मतलब ऐसा जगह, ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता हो, हॉर्सेस को रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल्स। और आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो रॉबर्ट क्लाइव सर का नाम तो सुना ही होगा, एक ब्रिटिश सोल्जर थे ये, तो इनका स्टेबल हुआ करता था वो बिल्डिंग। तो वही बिल्डिंग आज जेमिनी स्टूडियोज बना हुआ है, और उस बिल्डिंग के अपस्टेयर में क्या है, मेकअप डिपार्टमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी वर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। और ऐसे ही बिल्डिंग, जैसा कि जेमिनी स्टूडियोज है, वैसे कई सारे बिल्डिंग, दर्जनों बिल्डिंग उस सिटी में, मतलब चेन्नई सिटी में या फिर मद्रास सिटी में बोला जाता कि वो उनका ही था, वो उनका घर हुआ करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन अ ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। तो उनका छोटे से समय में, छोटे से जीवन काल में, और भी छोटे समय में जब वो मद्रास में रहते थे, बहुत कम समय के लिए मद्रास में रहे रॉबर्ट क्लाइव ने उसी कम समय में क्या कर लिया, हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा वो कुछ बहुत ही भयंकर युद्ध भी किए थे वो, जिसमें वो जीते थे, एंड मैरिंग, और उसी को कम समय में उन्होंने शादी भी कर लिया था, किससे, अ मेडन। मेडन मतलब एन अनमैरिड गर्ल, ठीक है, जिसका शादी ना हुआ हो, ऐसा लड़की से उन्होंने शादी भी किया था। कहाँ पे शादी किया था, इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, इस जगह पे उन्होंने शादी किया था। तो देखिए अब यहाँ पे मद्रास का जिक्र हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ऊपर में, बिल्डिंग का ऊपर में मेकअप डिपार्टमेंट था, वहाँ पे जो मेकअप रूम था, तो वो मेकअप रूम देखने में ठीक एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिख रहा था वो, जहाँ पे लाइट्स लगे हुए थे हर एक एंगल से, और हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, लगभग 6-7 शीशे लगे हुए थे उस रूम में। देयर वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स जल रही थी। इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने के बल्ब होते थे, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसमें से येलो लाइट निकलता है, काफ़ी ज़्यादा हीट भी छोड़ता है ये, तो उस टाइप के लाइट स्टेज पे जलते थे, रूम में जलते थे। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना दुख बर्दाश्त करना पड़ता होगा उन लोगों को, जो लोग अपने से चेहरे पर मेकअप करवाते होंगे, काफ़ी दुख उन लोगों को झेलना पड़ता था। दुख कैसा, कि जब इनकैंडेसेंट लाइट जब उनके ठीक चेहरे के सामने जब जलता हो, और आसपास 6-7 शीशे भी हो, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होकर सब चेहरा पर ही आ रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हीट उनको बर्दाश्त करना पड़ता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
यहाँ पे जो वर्ड है फियरी, इसका मतलब होता है रेड हॉट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी उनको बर्दाश्त करना पड़ता था जो लोग मेकअप करवाते थे, एक्टर और एक्ट्रेसेस। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई अ बंगाली हु बिकम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था, उसका जो हेड था, वो हेड पहले एक बंगाली हुआ करता था जो बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। हु बिकम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और वो स्टूडियो छोड़ के दूसरी जगह चला गया ताकि वो और भी ज़्यादा अपना लाइफ में तरक्की कर पाए। तो इसलिए उसने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, वो बंगाली। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई अ धरवाड़ कन्नाडिगा। तो उस बंगाली के जाने के बाद कौन आया? एक महाराष्ट्रियन आया, ठीक है, और उसका हेल्प करने के लिए कौन था? एक धरवार कर्नाटिका एंड आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। तो ये सब लोग मिलके उस महाराष्ट्रियन का हेल्प करते थे मेकअप डिपार्टमेंट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, अब आगे देखते हैं। ऑल दिस शोज डैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो जेमिनी स्टूडियोज था और उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट में हर रीजन से लोग थे वहाँ पे, इंडिया के हर एक रीजन से वहाँ पे लोग मौजूद थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए वहाँ पे एक बंगाली था पहले, फिर बंगाली छोड़ दिया तो कौन आया? महाराष्ट्रियन आया। फिर उसको हेल्प करने के लिए धरवाड़ कर्नाटका के लोग थे और आंध्रा के लोग थे, फिर मद्रास के लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग थे, एंड एंग्लो बर्मीस एंड लोकल तमिल्स, सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा था, एक नेशनलिटी का फीलिंग आ रहा था वहाँ पे, एकता देखने को मिल रहा था। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा देश एक है, यूनिटी है यहाँ पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और बाद में यही कॉन्सेप्ट ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए ये बिलीफ को प्रमोट किया गया कि देश में नेशनल यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बिलीफ था नेशनल इंटीग्रेशन का, ये बिलीफ पहले से ही हमें जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में देखने को मिल रहा था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये लाइन। फिर आगे देखते हैं, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इंटू अ हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। तो ये लाइन समझना होगा, ये जो लोग थे, ये गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, मतलब ऊपर के जितने भी लोग थे, महाराष्ट्रियन और धरवाड़ कर्नाटका आंध्रा, ये सब लोगों को बोला जा रहा है गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन। ये लोग नेशनलिटी का फीलिंग से एक साथ जुड़े हुए थे, ये जो लोगों का ग्रुप था, ये ग्रुप क्या कर सकता था? कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी एक अच्छा देखने वाला इंसान को बदल सकता था इंटू अ हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। हीडियस का मतलब क्या होता है? अगली, और ह्यूड का मतलब होता है बिकम कर्लर्ड, और मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। तो एक काफ़ी अगली दिखने वाला रेड कलर का मॉन्स्टर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता था, इतना मेकअप लगाता था उसके चेहरे पर, मतलब किसी भी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को मेकअप लगा लगा के उसको एक राक्षस जैसा बना देता था विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते थे, पैनकेक आपको पता है ब्रांड नेम है मेकअप का, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। पोशंस का मतलब होता है एनी लिक्विड मिक्सचर, और भी कई तरह के लिक्विड मिक्सचर और लोशंस को मिला उला के लगाते थे और एक अच्छा दिखने वाला इंसान, एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को कन्वर्ट कर देते थे इनटू अ मॉन्स्टर, ठीक है, दिखने में मॉन्स्टर जैसा लगने लगते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स। और उन जमानों में फिल्म का जो शूटिंग था वो मेनली इंडोर हुआ करता था, स्टेज पर हुआ करता था, एक ही रूम में हुआ करता था, और ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही ऐसे होते थे जो आउटडोर में शूट हुआ होता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। तो लेखक बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो सेट्स है और स्टूडियो लाइट है, इन्हें इन सब चीज़ों को क्या चाहिए कि इंसान को अगली बना दो, तभी वो लोग प्रेजेंटेबल दिखेंगे मूवी में, ठीक है। लेखक को ऐसा लगता था कि अगर इंसान को अच्छा दिखना है मूवी में तो उनको पहले अगली बनाओ तब वो अच्छा दिखेंगे, मतलब उनको पहले मेकअप लगाओ तब वो अच्छा दिखेंगे मूवी में। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्की था,
हायरार्की क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें मेंबर्स को रैंक किया जाता है कि सबसे टॉप में वो मेंबर है, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं हायरार्की। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम देखने को मिल रहा था। सबसे पहले इस सिस्टम में कौन था, द चीफ मेकअप मैन, सबसे टॉप में ये हुआ करता था, मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो चीफ मेकअप मैन जो था वो जो मेन एक्टर है और एक्ट्रेसेस है उनको उनका मेकअप करता था, और उस चीफ मेकअप मैन के नीचे कौन आता था, हिज सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो सीनियर असिस्टेंट किसको मेकअप करता था, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन उसको मेकअप करता था। यहाँ पर लिखा गया है कि द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली, यहाँ पे अगली का मतलब मेकअप करता था। ठीक है, चीफ मेकअप मैन का बात आता था सीनियर असिस्टेंट, वो सेकंड हीरो हीरोइन को मेकअप करता था, और सेकंड सीनियर असिस्टेंट का बात आता था आपका जूनियर असिस्टेंट, वो मेन कॉमेडियन को मेकअप करता था, एंड सो फोर्थ। ऐसे करके और भी नीचे के लोग थे जो बाकी अनइम्पॉर्टेंट लोगों को मेकअप करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हायरार्की समझ में आया होगा। यहाँ पर द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और कभी कभी क्राउड का भी शूट करना पड़ता था, एक ग्रुप का शूटिंग करना पड़ता था मूवी में, तो ग्रुप का मेकअप करने का जिम्मेदारी किसका था, एक ऑफिस बॉय का था। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है कि इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। तो आप खुद ही सोचिए कि एक मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक अपना खुद का ऑफिस बॉय था। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि जेमिनी स्टूडियोज कितना बड़ा था। ठीक है, ये लेखक बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मेकअप ऑफिस बॉय का काम क्या था, कि क्राउड का मेकअप करने का काम था ऑफिस बॉय का। ऑन द डेज वेन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जॉइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। तो जिस दिन जब क्राउड शूटिंग होना था, जब ग्रुप का शूटिंग लेना था, उस दिन क्या करता था, आप देख पाएंगे कि वो ऑफिस बॉय क्या करता था, एक बड़े से वेसल में अपना मेकअप था उसका सामान का पेंट बनाता था एंड स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जितने भी जो क्राउड के जो लोग हैं उनके सबके चेहरे पर मेकअप का थपेड़ा मारता था, स्लैप करता था। ठीक है, मतलब मेकअप लगा देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। आइडिया क्या था, कि चेहरे पर एक भी हल्का सा दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, सब पोर्स को, सब छेद को बंद कर देना है चेहरे का। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, नाम तो उसका ऑफिस बॉय था लेकिन वो बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज, वो लगभग 40, 41, 42 ईयर्स का इंसान था वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, वो कई साल पहले स्टूडियो ज्वाइन किया था, इस उम्मीद में ज्वाइन किया था कि वो एक दिन आगे चल के क्या बनेगा, एक बड़ा बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर कभी चल के डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनेगा। इन सब सपनों को लेके वो जेमिनी स्टूडियोज को ज्वाइन किया था। कौन ज्वाइन किया था, ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था। ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोइट, और उसमें उसको पोइट्री भी आती थी उस ऑफिस बॉय को। तो ऑफिस बॉय का मेन काम क्या था, टू मेकअप द क्राउड, ठीक है, और उसको पोइट्री भी आता था। और उसका सपना क्या था ऑफिस बॉय का, टू बिकम अ स्टार एक्टर, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर डायरेक्टर, या फिर लिरिक्स राइटर, ये सब उसका सपना था। ये सब उम्मीद लेके वो ज्वाइन किया था जेमिनी स्टूडियोज को। अब आगे देखते हैं। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। तो उन दिनों में लेखक जो थे, लेखक का नाम क्या है, अशोका मित्रन, ठीक है, वो एक क्यूबिकल में काम करते थे। क्यूबिकल क्या होता है, एक ही रूम में अगर आप केबिन जैसा बना दे घेरा उड़ा करके, तो वो आपका एक क्यूबिकल कहलाएगा। ठीक है, तो एक छोटे से क्यूबिकल में वो काम करते थे, एक रूम का छोटा सा पार्ट में काम करते थे, और उस क्यूबिकल का टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। क्यूबिकल का दोनों साइड में क्या था, फ्रेंच विंडोज था। फ्रेंच विंडोज क्या होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं फ्रेंच विंडोज। ठीक है, आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। तो ये तो लेखक को भी पता नहीं था कि उस टाइप के खिड़की को बोलते हैं फ्रेंच विंडोज। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। तो लोग मुझे देखते थे कि मैं अपने डेस्क पे बैठ के न्यूज पेपर काट रहा हूँ, दिन रात न्यूज पेपर को काट रहा हूँ, तो वो लोग सोचते थे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैठे रहते हैं। इट इज लाइकली डेट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और ऐसा हो सकता है कि बॉस भी ऐसा ही सोचते हो। आपको पता है बॉस कौन है यहाँ पर, SS वासन जी है बॉस, वो उसके फाउंडर थे। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर।
तो ऐसा जब भी किसी को लगता था कि मेरे को कोई काम देना चाहिए तो वो लोग जल्दी से आते थे मेरे कैबिन में, मेरे क्यूबिकल में आते थे और डिलीवर मतलब देते थे, एक लंबा चौड़ा भाषण देते थे कि ये तुम ये काम करो वो काम करो। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट बींग वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। तो वो जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पोएट्री आके मुझे सुनाएगा। हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट। वो मुझे ये बताने में भिड़ गया कि कैसे एक कितना अच्छा लिटरेरी टैलेंट इस मेकअप डिपार्टमेंट में वेस्ट हुआ जा रहा है, और ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ बार्बर्स मतलब सिर्फ नाइयों के लिए है जो चूल उल काटे, एंड परवर्स, परवर्ट मतलब ऐसा इंसान जो अपने सेक्स के ऑपोजिट बिहेव करता हो, मेल है तो फीमेल जैसा बिहेव करता हो, उसको बोलते हैं परवर्ट्स। बोलते हैं कि ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे लोगों के लिए फिट है, मतलब बार्बर्स और परवर्ट के लिए फिट है, तो उस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा था। मतलब ऑफिस में अपना अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरा टैलेंट यहाँ पे रह के वेस्ट हो रहा है, मेरा टैलेंट इस जिमनी स्टूडियोज में वेस्ट हो रहा है। तो ऑफिस बॉय ये अक्सर बताते रहता था लेखक को। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। तो तुरंत ही लेखक प्रे करने लग गए कि क्यों ना जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो, क्योंकि क्राउड शूटिंग ही ऐसा वक्त था जब वो ऑफिस बॉय बिजी होता था और वो क्राउड पे मेकअप लगाता था, मतलब ग्रुप के लोगों को मेकअप लगाता था वो, और जब वो मेकअप लगाने में बिजी होता था तब लेखक को जबरदस्ती का उसके लॉन्ग एपिक्स, एपिक्स मतलब होता है लॉन्ग पोएम्स, लंबे लंबे पोएम्स सुनने से राहत मिलता था उसको, ठीक है। नहीं तो ऑफिस बॉय जब भी फ्री रहता था तो वो लेखक को आके अपना पोएम सुनाने लगता था, और ये भी सुनाता था कि कैसे उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है इस जेमनी स्टूडियोज में। तो इन सब बातों से वो फ्री होने के लिए वो हमेशा प्रे करता था कि जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो, ठीक है, क्योंकि क्राउड शूटिंग ही ऐसा वक्त था जब वो राहत महसूस करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोस इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम सुब्बू। तो जब भी अक्सर कोई भी जब इंसान जब फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, तो हम लोग हमेशा अपना गुस्सा एक इंसान की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, आइदर ओपनली और कोवर्टली, कोवर्टली मतलब सीक्रेटली हिडनली, ठीक है, ऊपरी तौर से या फिर अनजाने तरीके से हम लोग अपना गुस्सा एक इंसान पर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो इंसान था यहाँ पे, मतलब जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, उसको ये कन्विंस हो गया था, वो ये मान चुका था कि उसका जितना भी वोज है, जितना भी दुख है, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब डिसग्रेस, उसको जो असम्मान का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बेइज्जती झेलना पड़ता है, नेग्लेक्ट, यहाँ पे जो लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इन सब का कारण क्या है, एक ही इंसान है, और वो इंसान कौन है, कोठा मंगलम सुब्बू, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टोरी कैसे शिफ्ट हो रहा है, पहले उन्होंने जेमनी स्टूडियोज के बारे में बताया, ठीक है, फिर उन्होंने जेमनी स्टूडियोज के बाद उसका सिस्टम को बताया, हायरार्की के बारे में बताया, फिर उसके बाद ऑफिस बॉय के बारे में बताया, अब ऑफिस बॉय से शिफ्ट हो रहा है स्टोरी किस पर, कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में, अब उनके बारे में थोड़ा बात बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है उनके बारे में। सुब्बू वॉज नंबर टू एट जेमनी स्टूडियोज। तो सेकंड इंपॉर्टेंट मैन कौन था जेमनी स्टूडियोज में, सुब्बू था। फर्स्ट में तो कौन था, बॉस होगा, बॉस कौन है, एसएस फासन, ठीक है, और बॉस के बाद सेकंड नंबर में इंसान कौन था, सुब्बू, कोठा मंगलम सुब्बू थे। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंसान का कंपैरिजन किया गया है, एक इंसान तो आपका है ऑफिस बॉय और दूसरा है सुब्बू, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सुब्बू को ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो ये जो ऑफिस बॉय था उसको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था यहाँ पे काम करने का, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी सुब्बू को नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला था देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। ये जो सुब्बू था उसको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फॉर वेन ही बिगेन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया था, सुब्बू ने जब अपना करियर शुरू किया था, देर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। तो तब इंडिया में उतना ज़्यादा कोई भी अच्छा फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर स्टूडियो नहीं था,
एंड इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का भी सवाल है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो ऑफिशियली स्कूल से जो वो लोग पढ़ते हैं उस पढ़ाई लिखाई का सवाल है, सुबू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. तो सुबू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उस ऑफिस बॉय के तुलना में, बट बाई वर्च्यू ऑफ बींग बॉर्न अ ब्राह्मीन, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी था. वर्च्यू मतलब क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या था कि वो एक ब्राह्मीन था. अ वर्च्यू इंडीड, ये क्वालिटी था ब्राह्मीन होना, क्योंकि ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस, क्योंकि क्योंकि वो ब्राह्मीन था तो उसको काफ़ी एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, काफ़ी वेल्दी सिचुएशन में वो पला बड़ा होगा, उसको एक्सपोज किया होगा वो, मतलब उसमें वो एक्सपोज हुआ होगा, एक्सपोजर मिला होगा उसको एंड पीपल, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, तो ये उसका एक क्वालिटी था. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म. तो भले ही उसका फिल्म कोई फ्लॉप हो जाए लेकिन फिर भी वो काफ़ी चीयरफुल दिखता था, काफ़ी खुश रहता था वो. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और उसके पास हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ काम होता था. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, क्योंकि वो खुद से अपना काम नहीं करता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली. लेकिन वो इतना वफादार था अपने प्रिंसिपल के प्रति, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, ठीक है, जो मेन पर्सन होता है, वो इतना ज़्यादा लॉयल था, वफादार था जेमिनी स्टूडियोज के लिए, जेमिनी स्टूडियोज की तरफ, कि मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कम्प्लीटली, कि प्रिंसिपल उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विश्वास करते थे, मतलब ऐसे श्वासन का बात किया जा रहा है. एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और अपना जितना भी क्रिएटिविटी था सुबुक के अंदर, जितना भी क्रिएटिविटी था वो सारा क्रिएटिविटी वो अपने मालिक के लिए प्रस्तुत करते थे, मतलब पूरा पूरी समर्पित थे वो जेमिनी स्टूडियोज की तरफ. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड मतलब परफेक्टली सुटेबल, वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल थे फिल्म्स के लिए ही. सुबू ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म के लिए ही बने हैं. हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वैन कमांडेड, तो कोई भी काम पड़ता हो तो लोग इन्हीं को ढूंढते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन हुआ कि, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि मान लीजिए द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर, कि मान लीजिए एक चूहा एक शेरनी को, एक शेरनी के साथ पानी में युद्ध लड़ाई करता है एंड किल्स हर, और मान लीजिए वो चूहा उस शेरनी को मार भी देता है पानी में, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उस चूहे को उस टाइग्रेस के बच्चे पर दया आ जाता है एंड टेंड्स देम लविंगली, और वो चूहा जो था वो कब्स को अपना प्यार जताता है. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, तो प्रोड्यूसर बोलता है कि मुझे पता नहीं ये सीन कैसे करें हम, ठीक है. एंड सुबू वुड कम आउट विथ फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, तो तब सुबू आता था और वो चार तरीके बताता था जिससे वो रैट अपना प्यार दिखा सकता है उस शेरनी के ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे पर, ठीक है. तो सुबू के पास ये क्वालिटी था कि कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता था उसे डील करने का. गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से. फिर प्रोड्यूसर क्या बोलता था, मान लीजिए वो चार तरीका बताया सुबू प्रोड्यूसर को, तो मान लीजिए वो प्रोड्यूसर को वो तरीका पसंद में नहीं आया, वो बोलता था कि गुड ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता ये उतना इफेक्टिव होगा, प्रोड्यूसर ऐसा बोला करता था. और तब इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, एक मिनट के अंदर सुबू क्या करता था और भी 14 अलग अलग तरीके बताता था कि आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए तो अच्छा होगा. तो इतना क्रिएटिविटी था सुबू के अंदर. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, इट वॉज सुबू. तो जब सुबू आसपास हो तो फिल्म मेकिंग कितना आसान हुआ करता था, ठीक है, बहुत आसान हो जाता था कोई भी काम जब सुबू आसपास हो. और अगर कोई एक इंसान था जिसने डायरेक्शन और डेफिनेशन दिया हो जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर्स, मतलब जब उसके अच्छे समय में, जब जेमिनी स्टूडियो जब फल फूल रहा था, तब उसके पीछे किसका हाथ था, सुबू का ही हाथ था. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है सुबू, उसे इनको नंबर टू भी बोला गया है जेमिनी स्टूडियोज में, एसएस वासन के बाद यही आते हैं सुबू. सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डिलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस. तो सुबू का एक आइडेंटिटी था एक पोएट के रूप में, मतलब सुबू एक पोएट भी थे. एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और उनका कैपेसिटी था कि वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हायर अच्छे अच्छे पोएम्स वो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के
ऐसे पोएम्स लिखे जो मासेस, मतलब जो लोगों को समझ में आ जाए, ऑर्डिनरी पोएम्स वो लिखते चले गए, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया कि ही डिलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, जानबूझ के वो ऐसे पोएम लिखते गए जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल को समझ में आने लगे। तो वो काफ़ी अच्छे पोएट भी थे, फिल्म में अच्छे भी काम करते थे और साथ साथ पोएट्री भी काफ़ी अच्छा करते थे वो। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शैडोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, लेकिन वो फिल्म में इतने ज़्यादा सक्सेस थे कि उनसे उनका लिटरेरी अचीवमेंट जो था वो ढक चुका था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ड, और उनके जो आलोचक थे उनका भी यही मानना था कि ये पोएट्री तो अच्छा करते हैं लेकिन फिल्म में वो और भी अच्छा करते हैं। तो फिल्म का सक्सेस उनका पोएट्री का सक्सेस को ढक दे रहा था। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोर्क डिफरेंट एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नोवल थिलाना मोहनाम्बल, ठीक है। तो वो उन्होंने काफ़ी ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, तो काफ़ी अपना अपने शब्दों में उन्होंने स्टोरी पोएम्स लिखा था कॉमन भाषा में, और डिक्शन मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है। तो और डिफरेंट का मतलब होता है अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ पोएम और सॉन्ग रिपीटेड, ठीक है। तो उन्होंने एक गाने के रूप में लिखा था स्टोरी पोएम को, काफ़ी अच्छे से लिखा था। और एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मतलब काफ़ी बड़ा डिटेल में लिखा था एक नोवल, उस नोवल का नाम था थिलाना मोहनाम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली एच कैरेक्टर्स, और इस नोवल में दर्जनों वेरी डेफली एच कैरेक्टर, डेफली मीन्स एफर्टलेसली, और एच्ड का मतलब होता है आपका डिस्क्राइब्ड, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया गया था दर्जनों कैरेक्टर्स को इस नोवल में। तो उनका पोइटिक स्किल्स बताया जा रहा है यहाँ पर। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज इन द अर्ली 20th century, और उन्होंने जो देवदासीज जो लोग थे, देवदासीज कौन होता है, साउथ इंडिया में पहले एक लड़की हुआ करती थी जो अपना पूरा जीवन एक भगवान के वर्शिप में डेडिकेट कर देती थी, तो उस टाइप के लड़की को देवदासीज बोलते थे उस ज़माने में ये, लेकिन ये अभी बैन हो चुका है, ठीक है। 1988 से ये बंद हो गया है देवदासीज का सिस्टम, पहले हुआ करता था लेकिन। और ये स्टोरी आपको पता है 1950s-60s का टाइम का बताया जा रहा है। तो उन्होंने अपने राइटिंग्स में इस देवदासीज का काफ़ी अच्छा से पोर्ट्रे किया, ठीक है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और इसके साथ साथ वो काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे। ही नेवर aspired टू द लीड roles, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उन्हें मेन रोल मिले, एक एक्टर का रोल मिले। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी पार्ट ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर्स, लेकिन कोई भी उन्हें छोटा मोटा रोल जब मिल जाता था तो वो मेन प्लेयर से भी अच्छा रोल प्ले करते थे, मेन एक्टर एक्टर से भी अच्छा रोल प्ले करते थे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस, और कोई भी इंसान जब वो उनसे मिलता था तो उनके दिल में सबके लिए प्यार भरा हुआ था सुबू के अंदर। एंड हीज हाउस वॉज अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्वेटेंसेज, और उनका घर जो था वो परमानेंट रेसिडेंस हो गया था उनके सारे रिलेटिव्स के लिए और एक्वेंटेंस परिचित लोगों के लिए, मतलब कोई भी लोग आके उनके घर में आराम से रह लेते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबू नेचर टू बी इवन कॉन्शियस डेट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, और ये सुबू के नेचर ऐसा था ही नहीं कि वो एक बार के लिए भी ये सोचे कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं फ्री में, ये वैसा वो कभी नहीं सोचते थे सुबू। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, तो ऐसा बड़े दिल वाला और इम्प्रोविडेंट मतलब ऐसा इंसान जो कंजूस ना हो, मतलब जो फ्रीली स्पेंड करे, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट मैन। तो ऐसा इंसान जो दानी हो, इतना बड़ा दिल हो उसका, और इस इंसान का भी एनिमीज हो, ये काफ़ी शॉकिंग है। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसका कारण ये था कि उसका एनिमीज था, एनिमीज होने का कारण ये था कि वो बॉस के ज़्यादा करीब थे, क्या इसलिए उसके ज़्यादा एनिमीज थे, मतलब यहाँ पर ऑफिस बॉय का एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि ऑफिस बॉय को उससे दुश्मनी था, तो ऐसा इंसान का दुश्मनी इससे हो तो ये हजम नहीं होता है, ठीक है। तो ये दुश्मनी होने का कारण क्या ये था कि वो सुबू जो था वो बॉस के इतना करीब थे उसलिए दुश्मनी था, और वॉज इट हिज जनरल डिमीनियर डेट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट, या फिर उनका बिहेवियर ही ऐसा था, डिमीनियर का मतलब बिहेवियर, उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि वो एक चापलूस की तरह दिखते थे, ठीक है। साइकोफेंट का मतलब होता है जो इंसान जो दूसरे का तारीफ करे, पावरफुल लोगों का तारीफ करे, ठीक है, एक फेवर के लिए। तो उनका बिहेवियर ऐसा था कि ऐसा लगता था कि वो एक चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं था क्या, इसी कारण से उनको कोई हेट करता था, ये रीज़न था क्या। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर
उनसे दुश्मनी का कारण ये भी हो सकता है कि वो हर चीज़ के लिए कुछ अच्छा बोलते थे, क्या ये रीज़न था? इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। तो रीज़न कोई भी हो, मेकअप डिपार्टमेंट में ये इंसान था, मतलब जो ऑफिस बॉय था, वो विश करता था कि सबसे बुरा थिंग हो जाए सुबू के साथ। डायरेस्ट मतलब वेरी बैड थिंग्स, सबसे बुरा घटना घट जाए सुबू के साथ, ये विश करता था कौन? ऑफिस बॉय। रीज़न वाले ही जो भी हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। तो भले ही सुबू हमेशा बॉस के साथ दिखते हो, लेकिन ऑफिशियली मतलब अटेंडेंस रोल में, मतलब ऑफिशियली वो किस डिपार्टमेंट में आते थे? ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट। वो स्टोरी डिपार्टमेंट में आते थे, और उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था? एक लॉयर था, एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, कुछ लेखक थे और पोएट्स थे, और सुबू थे, ठीक है। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में ये लोग थे, तो सुबू इसी के अंडर आते थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो अब देखिए, फिर अब स्टोरी शिफ्ट हो रहा है। अभी बीच में हमने सुबू के बारे में पढ़ा, अब सुबू से स्टोरी शिफ्ट हो रहा है किसके ऊपर? लॉयर के ऊपर। अब हमें लॉयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो लॉयर को ऑफिशियली हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल एडवाइजर भी बोलते हैं, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पर सब कोई इनको उसके विपरीत बोलता था, लीगल एडवाइजर नहीं, इसको इलीगल एडवाइजर बोलता था, ठीक है। अब कैसे इलीगल बोलता था, अब देखते हैं। उस लॉयर को, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट शेयर किया जा रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, और वो काफ़ी टेम्परामेंटल भी थी, मतलब काफ़ी मूडी थी, बार बार पर वो उनका दिमाग गर्म हो जाता था। तो वो एक बार क्या हुआ, वो सेट्स पर काफ़ी गुस्सा हो गई, ठीक है। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, और सबको ही उसका गुस्सा देख के सब चौक गए थे। तो तब क्या हुआ, ये जो लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। वो चुपके से जाके रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, और जो एक्ट्रेस थी वो जितना भी बुरे बुरे शब्द बोल रही थी वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। एंड व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जब वो एक्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रुकी ताकि वो सांस ले, द लॉयर सेड टू हर। तो लॉयर जाके उनसे बोलते हैं कि वन मिनट प्लीज, मतलब कि एक मिनट रुकिए आप, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और वो जो रिकॉर्डिंग किए थे उसको प्ले कर देते हैं। देर वॉज नथिंग इंक्रीमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो एक्ट्रेस जो थी, जितने भी अपशब्द बोली थी प्रोड्यूसर के खिलाफ, उसमें ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही बुरे बुरे शब्द इस्तेमाल की हो। इंक्रीमिनेटिंग मतलब किसी पे आरोप लगाना कोई क्राइम के लिए, या फिर अनमेंशनेबली फाउल, कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं की थी वो एक्ट्रेसेस। लेकिन फिर भी, बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डब। लेकिन जब उस एक्ट्रेस ने अपना वॉइस को फिर से सुना उस रिकॉर्डिंग में, तो वो स्ट्रक डम्ब, वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है, चुपचाप खड़ी हो गई वो, सदमा से शॉक्ड हो गई वो। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक एक्ट्रेस थी, वो आई कहाँ से थी? एक रूरल एरिया से आई थी, ठीक है, एक गांव से आई थी वो एक्ट्रेस। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस डैट जनरली प्रेसीड अ पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन डैट सी फाउंड हरसेल्फ कैटापुलटेड इनटू। तो जनरली उनको एक एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे यहाँ पर लोग काम करते हैं, और इतने बड़े पोजीशन में होने से क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से वो पहले अवगत नहीं थी वो, ठीक है, वो एक्ट्रेस, क्योंकि वो एक कंट्री साइड रूरल एरिया से आई हुई थी। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल डैट डे। और उस दिन जो उनके दिल में एक डर बैठ गया, ठीक है, जब उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग सुना, उनको काफ़ी सदमा सा लग गया और उनके मन में एक डर बैठ गया, ठीक है। डैट वॉज द एंड of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. तो इसी तरीके से उस एक्ट्रेस का जो पूरा करियर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। तो इस तरीके से वो जो लीगल एडवाइज़र था, मतलब यहाँ पे लॉयर को क्या बोला गया था, आपने देखा था, द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र, ठीक है। वो जो लीगल एडवाइज़र था, वो उन्होंने द स्टोरी डिपार्टमेंट जो लीगल एडवाइजर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। अनविटिंगली मतलब अनलोइंगली, अनजाने में ही उन्होंने एक एक्ट्रेस का लाइफ का एंड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो बोला गया था, क्या बोला गया था कि ऑफिशियली ऑल्सो नोन एज लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट, सबकी
उनको ऑपोजिट बोलता था, मतलब वो एक इलीगल एडवाइज़र, तो उनको इसीलिए बोलता था कि देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलीगली रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, और एक अनजाने में ही लेकिन उन्होंने इलीगली तरीके से एक घटना को अंजाम दे दिया, ठीक है। तो इसलिए उनको लीगल एडवाइज़र ना बोल के सबको इलीगल एडवाइज़र बोला करता था। वाइल एवरी अदर मेम्बर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ यूनिफॉर्म, अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई। तो उस जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सबको का एक यूनिफॉर्म था, और वो यूनिफॉर्म क्या था, खादी धोती पहनना, खादी के कपड़े का धोती पहनना, विद अ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और क्लम्सली मतलब केयरलेसली थोड़ा ढीला डाला, और काफ़ी बड़े साइज का शर्ट पहनते थे सब कोई धोती के ऊपर, लेकिन वो जो लीगल एडवाइजर था वोर पैंट्स एंड अ टाई, वो पैंट पहनता था, टाई पहनता था, एंड समटाइम्स अ कोट डेट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, और कभी कभी तो एक कोट भी पहनता था, और वो कोट दिखता कैसा था, कोट ऑफ मेल की तरह। कोट ऑफ मेल क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मेटल का रिंग जैसा वो दिखने में होता है। ओपन ही लुकड अलोन एंड हेल्पलेस, और वो अक्सर अकेला ही दिखता था और लाचार सा दिखता था, वो लॉयर, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। और वो स्टोरी डिपार्टमेंट में तो सब तो पोएट और लेखक लोग बैठे हुए थे, और लोग हमेशा ड्रीम करते थे, लेकिन ये जो लॉयर था वो लॉजिकल पर्सन था, उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता था, तो वो इसलिए वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था और हेल्पलेस महसूस करता था। अ न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादीट्स, तो एक वो न्यूट्रल मैन था, और उस भीड़ में जहाँ पे सभी लोगों का सोच गांधी जी से प्रेरित था, खादी से प्रेरित था, ठीक है, उस भीड़ में वो अपने आप को एक अलोन और हेल्पलेस महसूस करते थे। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। तो ऐसा होता था कि जो भी जो बॉस से करीब होता था उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिलता था, तो इस लॉयर को भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला, लेकिन भले ही उस फिल्म में बहुत रॉ स्टॉक और मतलब मटेरियल्स और पैनकेक यूज़ हुआ हो, मेकअप का सामान यूज़ हुआ हो, लेकिन नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म से ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं जो इस लॉयर ने प्रोड्यूस किया था। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, फिर एक दिन ने उस बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। आपको पता है बॉस का नाम क्या है, SS वासन, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, और ये इतिहास में पहली बार हुआ इंसान के इतिहास में कि एक लॉयर ने अपना जॉब खो दिया क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए बोल दिया गया था। यहाँ पर सरकास्टिक रिमार्क किया गया है कि पोएट्स का काम खत्म हुआ, मतलब एक लॉयर का काम भी खत्म हो गया साथ में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक SDS योगियार, संगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो जेमिनी स्टूडियोज़ में ये सब पोएट्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे, इन लोगों का फेवरेट प्लेस हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेस भी था, मेस मतलब ऐसा जगह जहाँ पे खाना वाना बनता हो, तो उस मेस में काफ़ी अच्छा कॉफ़ी बनता था, और वो कॉफ़ी दिन भर सप्लाई होता था एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात में भी मिलता था वो कॉफ़ी, काफ़ी अच्छा होता था वो, इन पोएट्स को काफ़ी पसंद आता था। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रैदर सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट, और उन दिनों में कांग्रेस का रूल होना मतलब प्रोहिबिशन था, काफ़ी सारी चीज़ पर रोक लगा हुआ था। ये प्रोहिबिशन क्या होता है, कांग्रेस रूल क्या होता है, फिलहाल नहीं जानने से भी चलेगा, बाद में दिमाग लाएंगे इस पे। और जब इतना सारा प्रोहिबिशन लगा हो तो और ऐसा मीटिंग हो जाए जहाँ पे इतना अच्छा कॉफ़ी मिलता हो, जो काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था सभी के लिए, सभी पोएट्स को काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे आना। बेरिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स इन द स्टूडियो रेडिएटेड लीजर, अ प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री। तो वो ऑफिस बॉय को छोड़ के और कुछ क्लर्क को छोड़ के जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, उन सबको काफ़ी अच्छा, काफ़ी मस्ती करते थे वो लोग, और यही लीजर जरूरी है एक अच्छा पोएट्री लिखने के लिए, ठीक है, प्री रिक्विजिट मतलब नेसेसरी है एक अच्छा पोएट्री के लिए। मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, और ज़्यादातर पोएट्स जो थे और जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, सभी खादी पहनते थे और गांधी जी का वर्शिप करते थे, उनको काफ़ी मानते थे। बट बियॉन्ड डैट
दे हैड नॉट द फेंटिएस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। लेकिन भले ही वो लोग खादी पहनते हो और गांधी जी को मानते हो, लेकिन उनका पॉलिटिकल थॉट कहीं से भी कुछ भी लेना देना नहीं था गांधी जी से, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट किसी का भी कुछ भी नहीं था। नेचुरली दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और ये स्वाभाविक है कि सभी लोग एवर्स, एवर्स मतलब डिसलाइक करना, हेट करना, सभी लोगों को नफरत था कम्युनिज्म सबसे। अभी कम्युनिज्म क्या होता है ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं जाने से भी चलेगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, एक कम्युनिस्ट वो इंसान होता है जिसका कोई भगवान नहीं होता है, ठीक है, गॉडलेस मैन होता है वो। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसको ना अपने बच्चों से प्यार होता है ना अपने पत्नी से या फिर पति से प्यार होता है। कंजुगल मतलब अपने स्पाउस से प्यार नहीं होता है, और फिलियल मतलब अपने सन डॉटर से प्यार नहीं होता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन, और कंपंक्शन का मतलब होता है आपका कि कोई उसको रोकथाम नहीं होता है, ठीक है, उसको अपने पेरेंट्स को मारने में, अपने बच्चों को मारने में उसको कोई हल्का सा भी हिचकिचाहट नहीं होता है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एन स्प्रेड अनरेस्ट, वो हमेशा घर से बाहर निकलता है क्या करने के लिए, हर जगह अनरेस्ट मतलब अफरा तफरी मचाने के लिए और वायलेंस करने के लिए वो अपने घर से निकलता है। एमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, और लोगों में वो काफ़ी दहशत फैला के छोड़ता है, कौन, एक कम्युनिस्ट, ठीक है। सच नोशंस वर विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली एमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। तो ये जो बिलीफ था कि एक कम्युनिस्ट ऐसा इंसान होता है, ये बिलीफ साउथ इंडिया में हर जगह फैला हुआ था, और यही बिलीफ जेमिनी स्टूडियोज में भी फैला हुआ था। और जेमिनी स्टूडियोज में थे कौन, खादी में खादी कपड़े पहने हुए पोएट्स लोग थे, तो उन पोएटों का भी यही विचार था, तो इसीलिए सबको ये हेट करते थे कम्युनिज्म सबसे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इतना हेट करते थे उसका, उस हेट का सबूत हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला था। वेन फ्रैंक बुशमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है, MRA इसको बोलेंगे शॉर्ट में, तो जब फ्रैंक बुशमैन का मोरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, लगभग 200 लोगों का आर्मी था वो, विजिटेड मद्रास, ये लोग जब मद्रास में आए समटाइम्स इन 1952 के समय में, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज, उनको जेमिनी स्टूडियो से अच्छा होस्ट नहीं मिलने वाला था। होस्ट मतलब वो इंसान जो किसी को रिसीव करे, ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियोज के पास वो लोग आके रुके, कौन आके रुके, फ्रैंक बुचमैन का MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, तो लोग उन्हें इंटरनेशनल सर्कस बोल के बुलाते थे इन 200 लोगों का ग्रुप को जिसको MRA बोलते हैं। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेजी, ट्रेपेजी में वो लोग उतने अच्छे नहीं थे। ट्रेपेजी क्या होता है आप सर्कस में देखे होंगे कि ऊपर एक लकड़ी पकड़ के लोग अपना कर्तव्य दिखाते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं ट्रेपेजी। तो वो लोग इस ट्रेपेजी में उतना एक्सपर्ट नहीं थे, एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, और एनिमल से भी वो उतना परिचित नहीं थे, एनिमल से सिर्फ वो डिनर टेबल तक ही परिचित थे, मतलब वो नॉनवेज खाते थे बस, और उतना ज़्यादा एनिमल्स में वो कर्तव्य नहीं दिखा पाते थे। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने दो प्ले करके दिखाया, दो नाटक करके दिखाया, काफ़ी अच्छे तरीके से करके दिखाया। और वो दो प्ले कौन सा था, देयर जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दो प्ले है आपको याद रखना है। MRA ने दो प्ले कौन सा परफॉर्म किया था, जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये जो दो प्ले उन्होंने परफॉर्म किया रैन सेवरल शोज इन मद्रास, और इसका कई ज़्यादा कई सारे शोज चले मद्रास में एलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, और मद्रास से कई सारे लोग तो देख ही रहे थे इस प्लेस को, और इसके साथ साथ जेमिनी स्टूडियोज में जो 600 लोग थे वो 600 लोगों ने भी इस प्ले को कई बार देखा, ओवर एंड ओवर अगेन। द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, और वो जो प्ले था जोथाम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, उस प्लेस का मैसेज काफ़ी सिंपल सा था, और होमिलीज, होमिलीज मतलब कुछ रिलीजियस चीज़ के बारे में वो प्रीच करते थे, ठीक है, रिलीजियस संदेश देते थे। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन वो लोग जो जैसे सेट का अरेंजमेंट करते थे और जो कॉस्ट्यूम पहनते थे वो काफ़ी फर्स्ट रेट था, अच्छा था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथाम वैली विद अ बेयर स्टेज। तो लिखा गया है कि मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो था, ये लोग काफ़ी अच्छे से काफ़ी बुरी तरीके से इम्प्रेस हो गए थे उस
दो प्ले से, और आगे आने वाले कई सालों तक उन्होंने जितने भी तमिल के प्ले होते थे उन सब प्ले में ये सीन होता था। वो सीन कौन सा था? सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोताम वैली। जैसा जोताम वैली में दिखाया गया था कि कैसे सनराइज हो रहा है, कैसे सनसेट हो रहा है, वो सीन तमिल के सभी प्लेज में हमें देखने को मिला आगे आने वाले कई सालों में। और वो सीन में क्या होता था? विथ अ बेयर स्टेज, खाली स्टेज होता था एंड अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और पीछे में एक सफ़ेद कलर का पर्दा होता था एंड ट्यून प्लेड ऑन अ फ्लूट, और एक बांसुरी में एक ट्यून बजता था और सनराइज होता था और सनसेट होता था। तो ये सीन तमिल प्लेज में भी हमें देखने को मिला, और ये सीन आया कहाँ से था? जोताम वैली से, वो लोगों ने कॉपी किया था तमिल लोगों ने। इट वॉज सम ईयर्स लेटर डेट आई लर्न डेट MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। और कई कुछ सालों बाद लेखक को ये समझ में आया कि वो जो MRA आया था, MRA का फुल फॉर्म क्या था? मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी, ठीक है। ये जो MRA आया था उसका उद्देश्य क्या था? वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ये लोग ये संदेश देने आए थे कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म को वो लोग काउंटर करने आए थे, मतलब उसको अरेस्ट में उसको रोकने आए थे, ठीक है। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। और मद्रास के बड़े बड़े बॉस जैसे कि मिस्टर वासन थे, वो सिंपली उनके हाथों का एक खिलौना बन गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि MRA वाले लोगों ने मिस्टर वासन को यूज़ कर लिया अपने मोटिव के लिए। मतलब MRA का मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि कम्युनिज्म के खिलाफ उन्हें एक मैसेज देना था, ठीक है। और ये मैसेज देने के लिए उन्होंने एक प्ले का सहारा लिया था, और वो दो प्ले कौन से थे? जोधाम वैली और कौन सा था दूसरा वाला? द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दो प्ले के सहारे उन्होंने एक मैसेज दिया था कि कम्युनिज्म को कैसे रोका जाए, ठीक है। और ये लोग उसको समझ नहीं पाए जर्मनी स्टूडियोज के लोग, और वही बोला गया यहाँ पर कि बिग बॉसेस लाइक मिस्टर एम वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। वो लोग उनके हाथों के खिलौने बन गए, मतलब MRA वाले लोगों ने इन्हें यूज़ कर लिया अपना मैसेज देने के लिए। आई एम नॉट श्योर हाउएवर डैट दिस वॉज इन डिड द केस। तो लेखक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सही मायने में ये केस था, क्योंकि फॉर द अनचेंजेबल एक्सेप्ट ऑफ द बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। क्योंकि मद्रास के जितने भी बड़े बड़े बॉस थे, और उनमें से एक बॉस कौन सा था? मिस्टर वासन। जितने भी बड़े बड़े बॉस थे और उनका जो भी इंटरप्राइज था, जो भी काम था, वो सेम टू सेम चलता रहा, उनके काम में कोई डाउनफॉल नहीं आया। तो इसका मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। मतलब MRA वाले लोगों ने तो इनको यूज़ कर लिया अपना मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन उस मैसेज से इनको कोई लॉस नहीं हुआ, मिस्टर वासन को और इनके जैसे कई बॉसेस को, ठीक है। MRA और नो MRA हो या फिर नहीं हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो एंड नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या फिर नहीं हो, उनके अपने बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वही लेखक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता इसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनका बिजनेस ठीक ठाक चल ही रहा था। द स्टाफ ऑफ जर्मनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज। लेकिन जो भी हो, जर्मनी स्टूडियो का जो स्टाफ था, मतलब लगभग 600 लोगों का ग्रुप था जर्मनी स्टूडियो में, उन्हें काफ़ी अच्छा समय बिताने को मौका मिला उन 200 लोगों के साथ जो MRA के साथ आया हुआ था। और उस 200 लोगों में लगभग 20 नेशनलाइट्स, ठीक है, लगभग 20 कंट्री से लोग थे वहाँ पे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाई द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। और ये काफ़ी अच्छा बदलाव भी था। अक्सर क्या होता था, यूजुअली काम क्या होता था कि क्राउड प्लेयर्स को मेकअप लगाओ और फिर शूटिंग करो, यही काम मोनोटोनस हो गया था, ठीक है। तो उस मोनोटोनस काम से उनको ब्रेक मिला और उन्हें काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला MRA वालों लोगों के साथ में, ठीक है, वही बोला गया यहाँ पर। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट। और इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद फिर बड़े बड़े जो बॉस थे मद्रास के, उनका फिर से टेलीफोन रिंग किया एंड वंस अगेन वी एट जर्मनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और एक बार फिर से जर्मनी स्टूडियोज को ही मौका मिला एक विजिटर को वेलकम करने का, ठीक है, और उन्होंने अपना पूरा शूटिंग स्टेज को क्लियर कर दिया क्योंकि एक विजिटर आने वाले थे। अब कौन आने वाले थे देखें? ऑल दे सेड वॉज डैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। सिर्फ यही सबको ही बोल रहे थे कि वो एक पोएट है, इंग्लैंड से आ रहे हैं वो। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपलेस्ट जर्मनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। तो जर्मनी के स्टूडियो के जो स्टाफ थे उन्हें सिर्फ यही दो पोएट के बारे में पता था इंग्लैंड के। वो दो पोएट कौन थे? वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। और वो लोग और कुछ को नहीं जानते थे।
द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन। और जो लोग जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो लोग कीट्स के बारे में जानते थे, शेली के बारे में जानते थे और बायरन के बारे में जानते थे। ये लोग बड़े बड़े पोएट लोग हैं, ठीक। तो इनके बारे में कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो लोग जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। और एक दो को इंसान को भी पता होगा कि कुछ एलियट बोल के भी कोई पोएट है। तो इतना ही ज्ञान था इन लोगों का। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। तो अब सवाल था कि अब हमारे स्टूडियो में कौन आ रहा है, इनमें से कौन सा पोएट आ रहा है। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर, डेट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन। तो लोग बोलते हैं कि वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है। आपको पता है एडिटर क्या होता है, एक संपादक जो अखबार में लिखता हो, ठीक है, वो एक एडिटर है। उसी लिए बॉस जो है उन्हें एक बड़े रिसेप्शन दे रहे हैं। वासन वॉज ऑल्सो, और क्यों, क्योंकि वासन खुद ही एक एडिटर थे एक पॉपुलर तमिल वीकली का। उस वीकली का नाम था आनंद विकातन, ठीक है, आनंद विकातन के एडिटर थे वो वासन जी, और उसके साथ साथ जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर भी थे। तो चूंकि ये एडिटर भी थे तो इसलिए वो एक एडिटर को वेलकम कर रहे थे, ठीक है। ही वॉजन द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। फिर लेखक बोलते हैं कि जितने भी एडिटर को हम लोग जानते हैं, जो मद्रास में जितने भी बड़े ब्रिटिश पब्लिकेशन है उनके एडिटर को वो लोग जानते हैं, दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो। तो बोलते हैं कि हम लोग तो सब एडिटर को जानते हैं, ये कौन सा एडिटर आ रहा है इसका तो बारे में हम लोग कभी सुने ही नहीं है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग ऑफ द इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज एडिटर ऑफ अ डेली, ठीक है। तो चूंकि उस पूरा जो इनिशिएटिव था कि वो आएंगे वहाँ पे भाषण देंगे, इस पूरे चीज़ को संभाल कौन रहा था, द हिंदू के टॉप मैन। द हिंदू जानते हैं आप, अखबार है, बहुत फेमस अखबार है ये। तो इसका जो पूरा इनिशिएटिव था द हिंदू के लोगों ने लेके रखा था, ठीक है। तो इसलिए ये आइडिया था कि ये सबको ये गेस कर रहे थे कि वो जो पोएट है वो एक एडिटर है एक डेली का न्यूज़पेपर का एडिटर है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स। लेकिन वो एडिटर तो है लेकिन इन दो अखबार का वो एडिटर नहीं है। डेट वॉज ऑल डैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। हमें सिर्फ जितना सबसे ज़्यादा जिसको पता था इतना ही पता था कि तभी भी वो क्लियर नहीं हुआ कि वो पोएट थे ना कि एडिटर थे, क्योंकि इन लोगों को इतने सारे पोएट के बारे में पता है लेकिन वो इनमें से कोई भी नहीं है। वो तो वो पोएट नहीं हो तो हो सकता है वो एडिटर हो, क्योंकि वासन खुद भी एक एडिटर है तो वो एक एडिटर को बुला रहे हैं रिसेप्शन के लिए। तो लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने सारे एडिटर को जानते हैं, और चूंकि द हिंदू के टॉप इंसान लोग जो थे वो लोग इसका इनिशिएटिव उठा के रखे हुए हैं कि वो आएंगे भाषण देंगे, उनका भाषण को रिकॉर्डिंग करना है। तो लग रहा था कि वो कुछ बड़े अखबार के एडिटर है, लेकिन वो इन दो अखबार के एडिटर तो नहीं थे, क्योंकि इन दो अखबार के एडिटर को वो लोग जानते थे। तो वो तो नहीं थे, तो पता नहीं कौन थे, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। एट लास्ट, और अंत में अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। वो जो पोएट था या फिर एडिटर था वो आया जेमिनी स्टूडियो में, वो आया। ही वॉज अ टॉल मैन, वो एक काफ़ी लंबा इंसान था, वेरी इंग्लिश, देखने में काफ़ी अंग्रेज जैसा था, वेरी सीरियस, काफ़ी सीरियस था वो, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और काफ़ी ज़्यादा अपरिचित भी था वो, हम लोग कोई उसे जानते नहीं थे, किसी ने उसका चेहरा भी कभी नहीं देखा था। बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। और स्टेज पे लगभग 6 पेडेस्टल फैंस रखे हुए थे। पेडेस्टल फैंस क्या होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं पेडेस्टल फैंस, ठीक है। तो इतने सारे फैंस के बीच में वो जो बॉस थे SS वासन, उन्होंने एक लंबा सा स्पीच पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस डैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोएट और द एडिटर। और ये जाहिर सी बात था कि बॉस को भी उतना अच्छे से पता नहीं था कि वो पोएट के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं था, पोएट बोलो या फिर एडिटर बोलो, कभी क्लियर नहीं था वो। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो जो बॉस ने जो स्पीच दिया वो काफ़ी जनरल टर्म्स में था, काफ़ी सिंपल सा स्पीच था, और उस स्पीच में कहीं कहीं ये सब वर्ड हमें सुनने को मिला था। वो वर्ड्स कौन से थे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड हमें सुनने को मिला उनके स्पीच में। किन के स्पीच में, उस बॉस के स्पीच में। और बॉस कौन है, SS वासन। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद जब बॉस अपना भाषण दे दिए तो अब स्टेज पे कौन आया, वो पोएट आया, पोएट या फिर एडिटर बोल लीजिए।
ही कुड नॉट हैव एड्रेस द मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। उस पोएट ने अपने लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा डेज्ड, डेज्ड मतलब कन्फ्यूज और शांत ऑडियंस को कभी एड्रेस नहीं किया होगा। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। और जो कोई भी वो कोशिश भी करता था कि हम कुछ समझे कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसका एक्सेंट ही ऐसा था, बोलने का तरीका ही ऐसा था कि कोई उसको समझ नहीं पा रहा था। मतलब अंग्रेजी में बोल रहा था वो, इंग्लिश भी काफ़ी टफ बोल रहा होगा। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। और ये पूरा घटना एक घंटा तक चला, पूरा कार्यक्रम एक घंटा तक चला। देन द पोएट लेफ्ट। और उसके बाद वो पोएट वहाँ से चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स इन अटर बैफलमेंट। और हम सभी बेचैन होकर वहाँ से उठ पड़े और हताश निराश सब थे। वॉट वर वी डूइंग। और सब पूछ रहे थे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वॉट आर वी डूइंग, हम लोग कर क्या रहे हैं। वॉट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। एक स्टूडियो, वो स्टूडियो जिसमें तमिल फिल्म बनता हो ऑर्डिनरी पीपल के लिए, उस स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट का क्या काम। पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। और वो जो पीपल थे उनका लाइफ ऐसा था कि वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि वो एक इंग्लिश पोएट्री को समझे या फिर उसका लुत्फ उठाए। द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू। और जो पोएट जो था जिसने भाषण दिया था आके, जो इंग्लैंड से आया हुआ था, वो पोएट भी काफ़ी कन्फ्यूज था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शियर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। क्योंकि इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है जो यहाँ पे फिट ना हो, अनसुटेबल, ठीक है। क्योंकि वो इंग्लिश पोएट भी खुद भी महसूस किया होगा कि खुद भी इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्योंकि वो खुद भी सोचा होगा कि हम कहाँ पे आ गए भाषण देने के लिए। अबाउट हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। ट्रेवल्स का मतलब होता है एफर्ट्स, ठीक है। उसने क्या क्या एफर्ट उसने अपने लाइफ में किया है ये सब बात उस बताया वहाँ पर। लेकिन उस सोचा कि ये सब बात क्या बताए, किसको बताए, कुछ उतना सेट नहीं खाया उसका बात वहाँ पर। हीज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। और वो किस लिए आया था, क्यों आया था, क्या बोला, वो एक मिस्ट्री सा बन के रह गया। कोई उस मिस्ट्री को कोई समझ नहीं पाया, ठीक है। क्या हुआ नहीं हुआ किसी को क्लियर नहीं था यहाँ पे। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे डैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रूएस्ट परस्यूट ऑफ अ जीनियस। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसका मतलब फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। तो वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लेखक जो है वो लोग भले ही इस बात को ना माने, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे। लेकिन जो लेखक है अशोका मित्रन जी है, उनका जो ये फीलिंग है कि वो फीलिंग दिन पर दिन और स्ट्रांग होते जा रहा है। वो फीलिंग क्या है, वो फीलिंग ये है कि दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रूएस्ट परसूट ऑफ अ जीनियस। ये जो स्टोरी राइटिंग जो है वो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं होगा एक जीनियस का काम। मतलब एक जीनियस लोगों के लिए स्टोरी राइटिंग चीज़ नहीं है। तो स्टोरी राइटिंग किसके कैसे लोगों के लिए है, इट इज़ फॉर द पेशेंट, ऐसे लोगों के लिए है जो काफ़ी धैर्यवान हो, परसिस्टेंट हो, परसिवियरिंग हो, ड्रज विथ अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। ऐसे इंसान के लिए है प्रोज राइटिंग जो पेशेंट हो, परसिस्टेंट हो, परसिवियरिंग हो। परसिवियरिंग का मतलब होता है जो बार बार कोशिश करे, ठीक है, फिर होने के बाद भी वो कोशिश करे, उसको बोलते हैं परसिवियरिंग। और ड्रज का मतलब होता है अ पर्सन मेड टू डू हार्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। ऐसे इंसान के लिए है जो कोई भी छोटा छोटा काम कर ले, उसको बेइज्जती कितना भी बेइज्जती कर लो, लेकिन वो फिर भी अपने काम में ना रुके, ठीक है। ऐसे इंसान के लिए है प्रोज राइटिंग। और उसका दिल इतना मजबूत होना चाहिए, संकर मतलब सिकुड़ा हुआ होना, छोटा होना चाहिए, डैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कोई उसको तोड़ ना पाए। दिल कठोर होना चाहिए उसका जो प्रोज राइटिंग करता हो। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। ऐसे इंसान के लिए है जिसके लिए अगर कोई रिजेक्ट भी कर दे तो उसके लिए कुछ फर्क ना पड़े उसको, ठीक है। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर इंक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। काफ़ी अच्छा लाइन है ये। बोला गया है कि प्रोज राइटिंग ऐसे इंसान के लिए है जो उसको कोई अगर रिजेक्ट भी कर दे तो उसके लिए ज़्यादा वो दिल में दुख ना मनाए, ठीक है। और वो क्या करे, तुरंत ही उसको एक और फ्रेश कॉपी, एक बड़ा सा स्टोरी का प्रोज पीस का, प्रोज मतलब स्टोरी, ठीक है, एक बड़ा सा स्टोरी का एक फ्रेश कॉपी लिखना चाहिए उसे, और उसको सेंड करना चाहिए एक किसी दूसरे एडिटर के पास,
मतलब एक एडिटर ने उसके स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया तो तुरंत ही उसको एक नया फ्रेश कॉपी लिख के एक दूसरे एडिटर को सेंड करना चाहिए। और सेंड करते वक्त उसमें पोस्टेज, आपको पता है कि जब लेटर सेंड करते हैं तो उसमें स्टैंप लगाना होता है कुछ रुपए का, तो उसमें रिटर्न के लिए भी पोस्टेज लगा के भेजना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको अगर पसंद ना आए तो वो चुपचाप रिटर्न कर दे। इतना हिम्मत होना चाहिए एक इंसान में अगर वो असली मायने में प्रोज राइटिंग करना चाहता है तो। इसलिए मैं बोला क्या है कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रूएस्ट परसूट ऑफ अ जीनियस। तो ये जो राइटर का फीलिंग है कि एक जीनियस लोगों के लिए नहीं है प्रोज राइटिंग, ये ऐसे लोगों के लिए है जो पेशेंट है, परसिस्टेंट है, परसिवियरिंग है, जिसका हार्ट श्रंकन हो और रिजेक्शन स्लिप से उनको कोई फर्क ना पड़े और वो तुरंत ही एक फ्रेश कॉपी भेजे एक दूसरे एडिटर को और उसके साथ साथ पोस्टेज स्टैंप रिटर्न के लिए भी भेजे, ठीक है, ऐसे इंसान के लिए है प्रोज राइटिंग। तो ये फीलिंग था अशोका मित्रन का, तो ये फीलिंग उनका दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहा था। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाई अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाई द नेम द इनकाउंटर। और ऐसे ही लोगों के लिए एक बार द हिंदू अखबार में एक अनाउंसमेंट छपा था एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट सा पेज था अखबार में, उस पेज में कोने में एक एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था। क्या था उस एडवर्टीजमेंट, लिखा था कि एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट होने वाला है और उस कंटेस्ट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द इनकाउंटर। द इनकाउंटर नाम का एक पीरियोडिकल था, पीरियोडिकल मतलब होता है एक मैगजीन जो रेगुलरली प्रोड्यूस्ड हो, साप्ताहिक मैगजीन होता होगा, ठीक है। तो इनकाउंटर नाम का एक मैगजीन पीरियोडिकल था, वो इस एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है और उस कॉन्टेस्ट में करना 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 क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी लिखना था, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कॉन्टेस्ट निकला हुआ था। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। तो जेमिनी स्टूडियोज़ में जितने भी पोएट्स और लेखक लोग जो थे उनके लिए ये जो नाम था द इनकाउंटर, उनसे वो लोग परिचित नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि द इनकाउंटर क्या है। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो हमारे लेखक है अशोका मित्रन, वो भी क्या किए, पहले इस पीरियोडिकल के बारे में जानने का कोशिश किए, क्योंकि जब वो अपना शॉर्ट स्टोरी को भेजेंगे तो उसको भेजने के लिए कुछ तो पोस्टेज लगाना होगा, पैसा लगाना होगा, तो सोचते कि पैसा लगाने से पहले एक बार जान लेते हैं इस पीरियोडिकल के बारे में। पीरियोडिकल का नाम क्या है, द इनकाउंटर, ठीक है, और ये एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, ठीक है। तो उस कंटेस्ट में लेखक भी भाग लेने जा रहे थे अशोका मित्रन जी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाग लेने से पहले, मतलब स्टोरी सेंड करने से पहले उन्हें कुछ आइडिया चाहिए था इस द इनकाउंटर के बारे में, मतलब ये कैसा है क्या नहीं है, ये चीज़ वो पता करने के लिए सोचे। टू इंग्लैंड इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्निकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। और उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो था, मतलब जो मद्रास में था लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में कोई भी साइन बोर्ड या फिर नोटिस नहीं छपा हुआ था, क्योंकि ये साइन बोर्ड और नोटिस अक्सर ये फीलिंग दिलाते हैं आपको कि आप एक फॉरबिडन एरिया में आप प्रवेश कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ये साइन बोर्ड और नोटिस नहीं था, तो लेखक काफ़ी फ्रीली उस लाइब्रेरी में जाते हैं। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। और देखते हैं कि वहाँ पे द इनकाउंटर का ये तो मैगजीन था, पीरियोडिकल था, उस पीरियोडिकल का अलग अलग फ्रेश फ्रेश कॉपी पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर्स, और कोई भी रीडर उस मैगजीन को पढ़ता नहीं था उतना। वेन आई रेड द एडिटर नेम, और जब मैंने उस एडिटर का नाम पढ़ा, उस मैगजीन का एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तभी मेरे दिल में एक घंटी बजा। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। उस एडिटर का नाम वही था जो उस पोएट का नाम था जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था, वही पोएट जो इंग्लैंड से आया हुआ था, आपको याद है, ठीक है, जिसको जिसका भाषण कोई समझ नहीं पाया था, वो वही पोएट इस दो ये जो पीरियोडिकल है द इनकाउंटर, इस पीरियोडिकल का एडिटर था वो पोएट। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉस्ट लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। तो लेखक को ऐसा फीलिंग आया कि जैसा इंडियन फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि दो बिछड़े हुए भाई आपस में जब मिलते हैं और एक गाना बजता है, ठीक है, तो लेखक को भी वैसा ही फीलिंग आया था कि कुछ खोया हुआ चीज़ मिल गया, ठीक है, और वो स्टोरी लिख के एनवलप में डालते हैं और उसको सील कर देते हैं और एड्रेस लिख के भेज देते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, स्टोरी को।
कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो भेज देते हैं, पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं मतलब। आई फेल्ट डैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। और लेखक ये फील करते हैं कि हो सकता है वो भी यही गाना गा रहे हों, मतलब जैसा इंडियन फिल्म में देखने को मिलता है वही लिखा गया है कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। कि अक्सर फिल्म में देखा गया है कि शुरुआत में क्या होता है कि दो भाई बिछड़ जाते हैं तब एक गाना बजता है, और लास्ट में जब दोनों भाई एक ही गाना गा रहे होते हैं तो दोनों पहचान जाते हैं कि अरे तुम मेरा भाई हो, तुमको ये गाना कैसे पता, तुमको ये गाना कैसे पता। ठीक है, तो गाने से अपने आप को पहचान लेते हैं। तो वही हमें बोल रहे हैं कि यहाँ भी वैसा ही फीलिंग कुछ आ रहा था, लेखक भी वही गाना गुनगुना रहे थे, और हो सकता है कि वो जो इंग्लिश पोएट था वो भी वही गाना गुनगुना रहा हो। स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन डेट वॉज हिज नेम। तो वो जो इंग्लिश पोएट था उसका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, यही एडिटर थे द इनकाउंटर के, और यही वो इंग्लिश पोएट थे जो विजिट किए थे जेमिनी स्टूडियोज को, और इनका ही भाषण कोई समझ नहीं पाया था। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जब मैंने जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ दिया था, वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था लेखक ने, आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मेरे पास समय तो काफ़ी था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, और कोई भी चीज़ जिस पर डिस्काउंट मिल रहा हो, कम दाम का हो, वो चीज़ मेरा ध्यान खींचता था। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच। तो वो देखते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पे एक पाइल, एक ढेर पड़ा हुआ है नए नए बुक्स का, और हर एक बुक का दाम 50 पैसा था, 50 पैसा। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिजेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। तो वो जो ढेर था, एक पाइल था बुक का, वो सब बुक एक ही बुक का कॉपी था, और वो अमेरिकन ओरिजिन का पेपर बैक। पेपर बैक क्या होता है, ऐसा बुक जिसमें कवर सॉफ्ट हो। ठीक है, दो टाइप का बुक होता है, एक हार्ड कवर, एक होता है पेपर बैक। ठीक है, हार्ड कवर मतलब ऊपर में बहुत ही हार्ड कवर होता है ऊपर में, और नॉर्मली जो हम लोग का बुक मिलता है, आपका जो इंग्लिश का बुक है फ्लेमिंगो, उसको हम लोग बोलेंगे पेपर बैक। ठीक है, तो वो पेपर बैक अच्छा क्वालिटी का था, अमेरिकन ओरिजिन का था, अमेरिकन पेपर था वो, स्पेशल लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। चूंकि रशियन रिवोल्यूशन का 50 साल हो गया था, तो इसीलिए स्टूडेंट एडिशन था वो, और काफ़ी कम दाम में वो बिक रहा था वो। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। तो लेखक ने 50 पैसा पे किया और वो बुक खरीद लिया, और उस बुक का नाम क्या था, द गॉड डैट फेल्ड। काफ़ी फेमस बुक है ये, बुक का नाम आप याद रखिएगा, द गॉड डैट फेल्ड। सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेस डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। तो सिक्स बहुत ही फेमस पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन। तो सिक्स एजुकेटेड पर्सन इन सिक्स सेपरेट एसेस, छह लोगों ने छह ऐसे लिखा हुआ था, और छह ऐसे में डिस्क्राइब किया हुआ था कि उन्होंने कैसे कम्युनिज्म में पहले एंट्री किया और फिर उन्होंने कैसे वहाँ से रिटर्न किया। ठीक है, मतलब कम्युनिज्म को अच्छा समझ के वो लोग पहले उसको कम्युनिज्म को फॉलो किए, और फिर बाद में वो देखे कि कम्युनिज्म काफ़ी बुरा है, उससे वो वापस फिर लौट के आए। तो ये चीज़ को छह राइटर ने डिस्क्राइब किया हुआ था इस बुक में, और उस बुक का नाम क्या था, द गॉड डैट फेल्ड। और वो छह राइटर कौन से थे, ये लोग थे, हेनरी गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोने, ऑर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर। तो उनमें से एक था हमारा स्टेफन स्पेंडर भी थे। ठीक है, इनको तो आप पहचानते हैं, ये द इनकाउंटर के एडिटर है, और लुइस फिशर को भी आप जानते होंगे, द इंडिगो जो स्टोरी आपने पढ़ा था उसके ये राइटर थे। तो ये छह लोगों ने मिलके उस छह ऐसे को लिखा हुआ था। सडनली द, अच्छा स्टेफन स्पेंडर, फिर बोलते स्टेफन स्पेंडर, द सडनली द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। तो जैसे ही लेखक ने ये जो नाम पढ़ा स्टेफन स्पेंडर, ये नाम पढ़ते ही लेखक के अंदर काफ़ी ज़्यादा उस बुक का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, तो क्योंकि जाना पहचाना लोग उसने लिखा हुआ था उस बुक को, स्टेफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। लाइक ये वही स्टेफन स्पेंडर है जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था, और यही स्टेफन स्पेंडर द एनकाउंटर का एडिटर भी है, और द एनकाउंटर ने ही एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट निकाला था जिसमें लेखक ने भी पार्टिसिपेट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई अ हेजी इल्यूमिनेशन। और कुछ ही क्षणों में मेरा जो अंधेरा था, जिसमें काला, मेरा जो दिमाग था जिसमें जो कालापन छाया हुआ था, उस कालेपन में एक हेजी इल्यूमिनेशन, एक हल्का सा लाइट आया,
मतलब दिमाग में कुछ अच्छा एनर्जी आया। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जिमनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब लेखक को समझ में आया कि स्टेफन स्पेंडर का जो की तरफ जो लोगों का रिएक्शन था वो एक मिस्ट्री नहीं रहा, वो मिस्ट्री सुलझ गया था। लेखक को समझ में आ गया कि क्यों लोगों ने उनका भाषण नहीं समझ पाए थे, ठीक है, क्यों उनका भाषण समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो लोग क्यों आए थे वहाँ पे, स्टेफन स्पेंडर विजिट क्यों किए थे जिमनी स्टूडियो। इसका कारण ये था कि ये लोग भी तो क्या किस चीज़ से पीड़ित थे, कम्युनिज्म से पीड़ित थे। पहले ये लोग कम्युनिज्म में एंटर किए थे, फिर ये लोग वहाँ से फिर वापस आए, ठीक है। और साउथ इंडिया के लोग भी ज़्यादा कम्युनिज्म को हेट करते थे, तो दोनों का फीलिंग यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को और प्रमोट करने के लिए स्टेफन स्पेंडर आए हुए थे जिमनी स्टूडियो में। तो वही अब बोल रहे हैं कि लेखक को अब समझ में आया कि वो एक मिस्ट्री नहीं था। द बॉस ऑफ द जिमनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फील्ड। तो जिमनी स्टूडियो के जो बॉस थे SS वासन जी, उनका कोई लेना देना नहीं था स्टेफन स्पेंडर के पोइट्री से, लेकिन उनका लेना देना था उस बुक से जिस बुक का नाम था गॉड दैट फील्ड। मतलब क्योंकि उस बुक में भी क्या फीलिंग दिखाया गया था कि कम्युनिज्म को कैसे पहले उन लोगों ने फॉलो किया, फिर कैसे उसको छोड़ा, मतलब कम्युनिज्म का डिसएडवांटेज बताया गया था उस बुक में। और साउथ इंडिया में भी, और साउथ इंडिया के लोग उसमें से एक SS वासन जी भी थे, उनका भी फीलिंग यही था कि कम्युनिज्म एक अच्छा चीज़ नहीं है। तो दोनों का ही फीलिंग यहाँ पे मिल रहा था। वही यहाँ पे बोला गया है कि बॉस को लेना देना नहीं था स्टेफन स्पिनर के पोइट्री से, लेकिन उसको लेना देना था उनके बुक से जिसका नाम है द गॉड डेट फेल्ड, कि उस बुक के जरिए दोनों का फीलिंग मैच हो रहा था, दोनों का ही मतलब हेट्रेड था कम्युनिज्म की तरफ, ठीक है। तो यही है फिर ये स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी।